जब मैं 13 साल का था तब मेरा एक आत्मा से सामना हुआ। उस दिन जन्माष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया, पर मैं बहुत ही टेंशन लेने लगा क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात बहुत हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं घर के आंगन में पहुंचा तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है। हमारे आंगन में आम और नीम के पेड़ थे। जब मैं अपने घर के आंगन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था, इसीलिए मैं पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर आंगन की ओर अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके बाल भी खुले हुए थे और वो वहाँ बैठकर अपने कपड़े धो रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ही दंग रह गया। आधी रात को पेड़ के नीचे ये महिला हमारे आंगन में कपड़े धो रही है, और यहाँ तक कि उसके पास पानी भी नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने दोबारा अपने घर का दरवाजा खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा तो वहीं पर वो महिला कपड़े धो रही थी और इस समय रात के ठीक 11:30 बजे थे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा ये देखने के लिए कि वो सच में एक महिला है या फिर कोई और। वो मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही थी। फिर जब मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो अचानक से उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं डर के मारे कांपने लग गया था। अचानक से वो मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत बिल्कुल सफेद थे। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने भी डरते डरते उसके सामने स्माइल कर दी। उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वो फिर से अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीजों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई कि अभी बाहर घर के आंगन में क्या हुआ था। वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाजा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और सच में वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन ये सब सुनकर मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहने लगी। उस रात तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे आंगन में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता। बेटा, मैंने तुम लोगों से ये बात नहीं कही। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग ये बात सुनकर डर जाओ। वो महिला कभी कभी ही नजर आती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वो महिला हमारे आंगन में ही रह रही है और उसने आज तक हमारे परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। मेरी माँ ने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली। मुझे डर लग रहा था
लेकिन जब मुझे ये पता चला कि उससे हमें कोई खतरा नहीं है तो मुझे कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। उस बात को गुजरे आज कई साल बीत चुके हैं। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ और यहाँ विदेश में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कई सालों पहले हुआ था। एक रात को सोते हुए अचानक मेरी नींद टूट गई। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं उठकर अपनी बालकनी में चला गया। तभी मैंने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और वो आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वो उस लकड़ी को बास्केट की तरह देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि जरूर ये कोई पागल होगा, क्योंकि उस समय वो वहाँ पर अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, फिर भी उसके चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर था और वो भी उसके बिल्कुल करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से देख सकता था कि वो चिल्ला रहा है। उसके बाद मुझे जब ये चीज बहुत अजीब लगी तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई, फिर मैंने वो वीडियो बनाना बंद कर दिया और जैसे ही मैंने सामने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत अजीब थी। उसके बाद मुझे डर सा लगने लगा और मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वो वीडियो चलाई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आज कई सालों बाद मेरे साथ दूसरी बार वही अजीब स्थिति हुई है जिसका मैंने बचपन में सामना किया था, और एक बार फिर से मुझे उस सफेद कपड़ों वाली औरत की अजीब सी भयानक मुस्कान अपने चेहरे के सामने नजर आने लगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। मेरा नाम रोहन है और हम 4 बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, खुशाल, प्रतीक और शाहिल। ये उस दिन की बात है जिस दिन विशाल के घर पर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त विशाल के घर में सोने के लिए चले गए थे। अभी हम सब दोस्त मिल गए थे तो हमें इतनी जल्दी तो नींद नहीं आने वाली थी, इसीलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम सभी दोस्तों में खुशाल जो सबसे बहादुर और नीडर था, उस दिन हमने खुशाल को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा जो कि भूतिया माना जाता था। वो मकान टूटा फूटा था और भूतिया था। उस मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते हैं कि इस मकान में 2 बुरी आत्माएं रहती हैं। हमने खुशाल को कहा कि अगर तुझमें हिम्मत है तो हमें तो उस मकान में जाकर दिखा। खुशाल को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। खुशाल करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा और जब वो वहाँ से बाहर आया तो बिना कुछ बोले कहे बिस्तर पर जाकर लेट गया और सो गया। हम सभी दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और हमने कहा कि ये तो पक्का डर गया है और इसीलिए चुपचाप बिना बोले सो गया। सुबह हुई और खुशाल के घर वाले आ गए। खुशाल अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। खुशाल की माँ ने उसे उठाया तो वो चुपचाप उठ गया और जब वो तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया तो खुशाल की माँ ने देखा कि उसने अपनी आँखों में काजल लगाया हुआ था। खुशाल की माँ ने उससे पूछा, ये काजल क्यों लगाया है तुमने? तो उसने कहा, बस ऐसे ही। खाने की टेबल पर आकर खुशाल ने देखा कि पराठे बने हुए थे जो खुशाल को वैसे तो बहुत पसंद थे, लेकिन खुशाल ने गुस्से में अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा, मुझे ये नहीं खाना, ऑमलेट बनाओ मेरे लिए। ये सुनकर खुशाल की माँ के होश उड़ गए क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन थे। खुशाल की माँ ने उसे कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? सुबह से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? खुशाल को न जाने क्यों और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने खाना फेंक दिया और वहाँ से चला गया।
अब कुशाल अपने दोस्तों से मिला तो उनके साथ भी बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज में बात करता तो कभी औरत की आवाज में। ये सब देखकर कुशाल के सभी दोस्त बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। इसीलिए प्रतीक ने जाकर रात की सारी बात कुशाल की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी लेकिन कुशाल अभी तक अपने घर नहीं आया था। रात के करीब 10 बजे जब कुशाल घर आया तो वो शराब पीकर आया था, जबकि कुशाल ने अपनी पूरी जिंदगी में शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। कुशाल ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज में अपनी माँ से कहा, मुझे मटन कोरमा खाना है। फिर अचानक वो औरत की आवाज में कहने लगा, नहीं मुझे नहीं खाना। सिर्फ यही नहीं, कुशाल कभी आदमियों की तरह हरकतें करता था तो कभी औरत की तरह। कुशाल की माँ को अब इतना समझ आ गया था कि हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही जाकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आई और कुशाल की माँ ने तांत्रिक बाबा से अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कहा। कहीं ना कहीं कुशाल की माँ को ये समझ आ गया था कि कुशाल के अंदर या तो कोई जिन्न या फिर किसी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक बाबा ने जब कुशाल को देखा तब उन्होंने उसकी माँ से कहा, देखिए इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो जिन्न की आत्माएं हैं, एक आदमी की और एक औरत की। कुशाल जिस पुराने मकान में गया था, दरअसल वहाँ एक पति पत्नी रहते थे और उनकी मौत उसी मकान के अंदर हुई थी और तब से उन दोनों की आत्मा उसी मकान में भटकती थी, इसीलिए कोई भी उस मकान के आसपास तक भी नहीं जाता था। लेकिन आपका बेटा कल रात उस मकान में गया था और उन दोनों आत्माओं को अपने साथ ले आया है और इसीलिए कुशाल कभी औरत की आवाज निकालता है तो कभी मर्द की। कुशाल की माँ ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगी और तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उन बुरी आत्माओं से मेरे बच्चे को मुक्त कर दीजिए। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने पूजा पाठ शुरू किया और मंत्रोच्चारण करते गए। कुछ ही घंटों बाद कुशाल का शरीर उन दोनों बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था। उसके बाद कुशाल बेहोश हो गया। फिर तांत्रिक बाबा ने कुशाल की माँ से कहा, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती और आप मेरे पास नहीं आती और कुशाल के शरीर से अगर इन बुरी आत्माओं को नहीं निकाला जाता तो ये बुरी आत्माएं कुशाल को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। कुशाल तो अब उन बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था लेकिन धीरे धीरे अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी भी दवाई का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे दुबला पतला और कमजोर हो गया था। वो अपने कमरे से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कुशाल की माँ बस हर वक्त रोती रहती थी और अपने बच्चे को ठीक करवाने के लिए हर कोशिश करती थी लेकिन कुशाल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन कुशाल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दरअसल कुशाल रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया लेकिन सुबह जब काफी देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ के उसके घर वाले अंदर गए और कमरे में कुशाल का मृत शरीर पड़ा था। मैं और मेरे दोस्त हमारे उस मजाक के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। अगर उस रात हमने कुशाल के साथ वो गंदा मजाक नहीं किया होता, उसे उस मकान में जाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो आज कुशाल हमारे बीच जिंदा होता। हमारी एक गलती की वजह से हमने कुशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। सुंदरगढ़ नाम के एक शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस शहर के सभी लोग उस पुराने घर को भूतिया और अपशगुनी मानते थे क्योंकि जो भी इंसान वहाँ रहने के लिए आता था उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसीलिए उस घर को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार एक रोहन नाम के व्यक्ति ने उस घर को बहुत ही कम कीमत में खरीद लिया और अपने बेटे राजू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ गया। घर में आने के एक से दो दिन बाद ही
रोहन को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करने लगा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन राजू दौड़ता हुआ रोहन के पास आया और कहने लगा, बाथरूम में पानी अचानक बंद हो गया। वहाँ पर एक सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। इतना कहते कहते राजू अचानक चुप हो गया और रोहन की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राजू डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। रोहन राजू को अपनी गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। लेकिन अब राजू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसका डर भगाने के लिए रोहन ने सोचा कि मुझे राजू के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो बाजार गया और उसने राजू के लिए उसका पसंदीदा एक कुत्ता खरीदा और उस कुत्ते को लेकर तीनों अपने घर वापस आ गए। अब राजू उस बात को कुछ कुछ भूल चुका था और अब वो फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई तो रोहन ने आस पड़ोस के घर में झांक कर देखा, लेकिन उसने देखा कि सभी के घरों में बिजली है, बस उसके ही घर में नहीं है। रोहन को कुछ समझ में नहीं आया। उसने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया। रोहन को लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में ही उसे राजू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि लगता है राजू फिर से डर गया होगा। रोहन टॉर्च को चालू करके राजू के पास गया। राजू को दोबारा घर में वही औरत नजर आई थी। राजू को डरता हुआ देखकर रोहन ने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की और उसे कहा, बेटा अभी बिजली गई है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, कोई नहीं है हमारे घर में, चलो हम साथ चलते हैं और बिजली को ठीक करते हैं। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस लेकर जाता है। राजू अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन अचानक राजू का कुत्ता भी घर में यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। कदम आगे बढ़ाता उसे ऐसा लगता जैसे कोई और भी है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसे किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता गया। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही रोहन को वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर राजू भी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोहन को कुछ समझ में नहीं आता। वो लाश को देखकर खुद भी घबरा जाता है। अपने बेटे को लेकर वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पावर हाउस से निकलते ही अचानक रोहन का पैर दरवाजे में लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी रोहन अपने पैर को छुड़वा ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रोहन के पैर को वहाँ फंसा दिया था और वो नहीं चाहता था कि रोहन का पैर वहाँ से बाहर निकले। रोहन कोशिश करता गया, लेकिन उसका पैर वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। तभी राजू भी अपने पापा को बाहर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी राजू अपने पापा को बाहर नहीं निकाल पाता। जब कोई उपाय नहीं दिखाई देता तब रोहन अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम अपने कुत्ते को लेकर अंदर चले जाओ, मैं खुद ब खुद अंदर आ जाऊंगा। लेकिन राजू अपने पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, नहीं पापा मैं आपके साथ ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी रोहन ने जबरदस्ती उसे मना कर घर के अंदर भेज दिया। राजू अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ रोहन अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने पैर को वहाँ से निकालने की। लगभग
10-15 मिनट तक बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार रोहन अपने पैर को छुड़ाने में सफल हो जाता है। अब रोहन भी दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और यहाँ वहाँ राजू की तलाश करने लगता है, लेकिन रोहन को राजू कहीं दिखाई नहीं देता। ना ही रोहन को राजू दिखता है और ना ही उसका कुत्ता नजर आता है। रोहन परेशान होकर पूरे घर में इधर उधर ढूंढता रहता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी रोहन को उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता। अब रोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपना बेटा चाहिए था, लेकिन उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। इसी तरह रोते रोते निराश उसे कब घर के सोफे पर ही नींद आ गई, रोहन को पता ही नहीं चला। अगले दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही रोहन ने उदास मन से दरवाजा खोला तो सामने इलेक्ट्रीशियन खड़ा था, जिसे रोहन ने कल अपने घर की बिजली को ठीक करने के लिए बुलाया था। अब रोहन बेमन उस इलेक्ट्रीशियन को अपने पावर हाउस में लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ पहुँचता है, अचानक ही वो वहाँ से डर के मारे चिल्लाता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हुआ। वो उस इलेक्ट्रीशियन के पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? इलेक्ट्रीशियन कुछ भी नहीं बोल पाता। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो बस डर के मारे कांप रहा था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन ने उसे फिर से पूछने की कोशिश की, आखिर आपको क्या हुआ? तो वो बस इतना ही बोल पाया, वो औरत। और ऐसा कहते कहते वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ से भाग गया। अब रोहन को ये पक्का एहसास हो गया था कि उसके घर में उसके अलावा भी जरूर कोई और है, जिसे राजू ने भी बार बार देखा था, और वो कुत्ता भी जिसे देखकर बार बार भौंक रहा था। वो निराश होकर बैठ जाता है। उसे उसका बेटा अभी तक नहीं मिला था। तभी वो सोचता है कि एक बार मैं भी उस पावर हाउस में जाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही रोहन उस पावर हाउस में पहुँचता है, वहाँ पर उसे अपने बेटे राजू और उस कुत्ते की लाश मिलती है। रोहन अपने बेटे की लाश को देखकर ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसकी भी उसी वक्त मौत हो जाती है। उसके बाद से उस घर में आज तक कभी कोई रहने नहीं आया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। प्रताप सिंह गांव-गांव घूम-घूम कर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में काफी देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वो फल बेच कर अपने घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वो एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ। वो सोचने लगे, आज क्या हो गया मेरी साइकिल को, ऐसे क्यों चल रही है जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हुआ हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में प्रताप सिंह को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो प्रताप सिंह क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। प्रताप सिंह पसीना पसीना हो गए और बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़े। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक प्रताप सिंह को जानता था। वो तुरंत बोल पड़ा, अरे ये तो प्रताप तो का है। वो व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से प्रताप सिंह को उनके घर छोड़कर आ गया। सुबह प्रताप सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वो बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए 4-5 दिन वो फल बेचने ही नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे उनसे पूछते हैं, क्या हुआ आपको, आप काम करने क्यों नहीं जा रहे। प्रताप सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई
तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या फिर निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने की इच्छा है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और झूठ मूठ का बहाना बना रहा हूँ। गरीब आदमी अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये सोचकर चार पांच दिन के बाद प्रताप सिंह अपने काम पर वापस जाने लगे। पहले की तरह ही गांव-गांव जाकर वो अपने फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वो सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा फिर से याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। प्रताप सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो धीमी और धीमी और धीमी होती जा रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही फिर से मेरे साइकिल के साथ हो रही है। वो भयानक औरत जरूर फिर से मेरी साइकिल के पीछे बैठी है। तभी प्रताप सिंह ने डरते डरते पीछे देखा तो दोबारा से वही चुड़ैल प्रताप सिंह के साइकिल के पीछे बैठी थी और जोर जोर से प्रताप काका को देखकर हंस रही थी। फिर से प्रताप काका वही बेहोश होकर गिर पड़े। अगले दिन फिर उनकी आंख उनके घर पर खुली। फिर उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, आप बार बार बेहोश कैसे हो जाते हैं? तभी प्रताप काका अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं कि मुझे उस जगह पर भूत प्रेतों के साए दिखते हैं। एक चुड़ैल हर बार मेरी साइकिल के पीछे आकर बैठ जाती है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है और वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसती है। उसका चेहरा इतना डरावना है कि उसे देखकर मेरा दिल काम ही नहीं करता। मेरा शरीर कांपने लगता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी प्रताप सिंह की पत्नी उनसे कहती है कि काम तो आपको करना ही होगा ना, एक काम कीजिए, आप उस रास्ते से मत जाइए, दूसरे रास्ते से जाइए। लेकिन प्रताप काका को लगता है कि अगर मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। एक दिन तक प्रताप काका को बहुत ज्यादा बुखार रहा, वो काम पर नहीं जा पाए। लेकिन दूसरे दिन फिर से उन्होंने सोचा कि काम तो करना ही होगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे फल बेचने जाना ही होगा। आज फिर प्रताप काका फल बेचने के लिए जाते हैं और फिर से उन्हें घर लौटने में देर हो जाती है। वो यही सोचते हैं कि आज मैं साइकिल इतनी रफ्तार से चलाऊंगा कि सीधा अपने घर जाकर ही रुकूंगा और उस चुड़ैल को पीछे मुड़कर देखूंगा ही नहीं। और प्रताप काका उसी रास्ते से दोबारा आने लगते हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन प्रताप काका का कोई पता नहीं होता। अब उनकी पत्नी को घबराहट होने लगती है कि आखिर वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। उसके बाद उनका इंतजार करते करते सुबह हो जाती है लेकिन प्रताप काका अभी तक घर नहीं पहुंचते। अब उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो अपने गांव के आस पड़ोस के घर वालों से जाकर कहती है कि काका अभी तक घर नहीं आए हैं, आप कृपया करके मेरे पति को ढूंढिए। उसके बाद गांव के कुछ लोग उसी रास्ते पर प्रताप काका को ढूंढने जाते हैं। उनकी पत्नी गांव वालों को सारी बात बताती है कि इतने दिनों से आखिर प्रताप काका के साथ क्या हो रहा था। सब लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा भी हो सकता है और इतना कुछ होने के बावजूद आखिर प्रताप काका उसी रास्ते से घर क्यों आ रहे थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी प्रताप काका का कुछ पता नहीं चलता। आज उस वाक्या को पूरे 10 साल बीत चुके हैं लेकिन प्रताप काका कभी वापस नहीं लौटे। शायद उस दिन वो चुड़ैल प्रताप काका को अपने साथ ले गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।